मैम यामी जी सेंटर इसका चिप डाले कैमरा है पीछे थैंक यू वेरी मच आई डोंट इवन नो व्हाट पिक्चर ये चुटकी इन्होंने बजाई थी मैं सिर्फ कॉपी कर रही हूँ बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक ऐसा ब्रांड है जो डेफिनेटली मैं और मेरी सिस्टर शॉपिंग करते हैं तो ज़रूर वी डेफिनेटली बिंज ऑन लिटरली ऑन सुपर ड्राई क्योंकि बहुत ही वी ऑल नो इट्स वन ऑफ द कूलेस्ट ब्रांड्स विच हैज़ ग्रेट वराइटी विच हैज़ ग्रेट द कम्फर्ट लेवल एंड बहुत फैशनेबल है और आई लव सुपर ड्राई आई थिंक जब जहाँ ट्रेंडी कैजुअल्स की बात की जाए या लेजर की बात की जाए आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू बीट सुपर ड्राई थैंक यू ये आई गिव दिस क्रेडिट टू स्टाइलिस्ट मोहित राय तो उनको लगा दैट लेट्स डू समथिंग बिकॉज आइडली हम लोग शायद बाई स्नीकर्स करते हैं और समथिंग लेट्स डू समथिंग डिफरेंट एंड तो एक शेयर सॉक्स है वो लिटिल स्टडेड वर्क ऑन इट एंड विद स्टिलेटो सो दैट इज व्हाट वी हैव टीम्ड अप विद एंड ये एक शर्ट या सुपर ड्राई जैकेट है एक ब्रालेट टॉप है और एक डेनिम स्कर्ट है एंड आई थिंक इट्स बहुत बेसिक है जस्ट अ पेयर ऑफ इयररिंग्स आई लाइक कीपिंग थिंग्स वेरी मिनिमल एंड वेरी एज बेसिक एज पॉसिबल तो डेनिम से ज़्यादा और कुछ बेसिक नहीं हो सकता सो वी थॉट लेट्स गो फॉर डेनिम दो अभी दो जी 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 यस थैंक यू थैंक यू जी है ना थैंक यू बहुत अच्छा जी मैंने भी बहुत मिस किया मैं एक्चुअली वी वर ट्रैवलिंग टू हांगकॉन्ग फॉर आई कोलैबोरेटेड विद देम एंड आई वाज सो एक्साइटेड फॉर द ट्रेलर लॉन्च बट आई फेल्ट सिक रियली बैडली एंड बट एनीवे आई न्यू दैट द एंटायर टीम विल बी देयर एंड खुशी की बात यह है कि ट्रेलर सबको बहुत पसंद आया है सबने बहुत पसंद किया है और जो मेरा किरदार था वो मैंने किया ही इस वजह से था ऑफ कोर्स पहली बार श्री सर के साथ काम करना है किसी फिल्म के साथ जुड़ना शाहिद के साथ काम करना बट जो किरदार है वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट मॉडर्न लड़की का किरदार है जो एक ऑफ कोर्स एक लॉयर है शी हैज़ अर ओन ओपिनियन बहुत स्ट्रॉन्ग है बहुत कॉन्फिडेंट है कॉन्फिडेंस के साथ जो जिन्हें भी वो डिफेंड कर रही हैं वो कर रही हैं सो आई लव द पार्ट एंड इट्स द जो लास्ट के ऑफ कोर्स क्योंकि एक सोशल मुद्दे पे एक बेस्ड है एक फिल्म तो बहुत ज़रूरी है इसमें एक लीगल पर्सपेक्टिव ऑल्सो इस फिल्म में आना और
नहीं ऑनेस्टली मेरे दिमाग ऑफ कोर्स आई हैव एंजॉयड ऑल दीस परफॉर्मेंसेस स्पेशली पिंक में आई थिंक मिस्टर बच्चन बट ऐसे दिमाग में कोई भी नहीं था और अच्छी बात है कि होना भी नहीं चाहिए बिकॉज देन आप खुद भी ज़रूरी आप कुछ अपना ही क्रिएट करें क्योंकि और भाषा भी काफ़ी अलग है इट्स द मोस्ट प्योरेस्ट हिंदी दैट आई हैव एवर यूज्ड तो मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई थी एक सेशन मैंने अटेंड किया था एंड आई थॉट वो एक काफ़ी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा जहाँ पे मैं खुद आई कैन सिट एंड सी एंड वॉच एंड लर्न समथिंग एंड आई आस्क थोड़े क्वेश्चंस पूछे मैंने उनको कि क्या जैसे हमारी मूवीज़ में होता है ऐसे ही होता है क्या They said, आप थोड़ा ज़्यादा दिखा देते हैं पिक्चरों में इतना नहीं होता है बट हाँ वहाँ पर भी होता है ड्रामेटिक्स एंड थोड़ा सा हंसी वसी हो जाती है बट एंड स्पेशली इन लोअर कोर्ट्स एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट काफ़ी डिफरेंट होता है सो आई थिंक जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था दैट रियली हेल्प मी एंड देन बाकी जो जैसा आपको जब आप देखेंगे तो आप जजमेंट तो आप असली पास करेंगे थैंक यू सो मच पता तो है आपको शूटिंग तो स्टार्ट हो चुकी है अब तो ख़त्म ही होने वाली है ऑफ कोर्स शूटिंग सर्बिया में शुरू हुई थी अभी हम बॉम्बे में जो लास्ट गेट ऑलमोस्ट कर रहे हैं सो इट्स गोना गेट ओवर सून एंड बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया काम करके टीम के साथ आदित्य धर इज़ डायरेक्टिंग दिस फिल्म इट्स हिज फर्स्ट फिल्म बट ही इज़ आउटस्टैंडिंग द वे ही इज़ डेल्ट विद द एंटायर सब्जेक्ट और जिस तरह की कहानी है और जैसा आपने कहा ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है बतौर सिर्फ एक एक्टर नहीं बट एज एन इंडियन टू नो दैट व्हाट हैड एक्चुअली हैपेंड एंड आई थिंक ये खास फिल्म है और शायद आप सबको उम्मीद है कि हम सबको आई थिंक इट बी समथिंग दैट वी विल ऑल बी वेरी प्राउड ऑफ वो हम लोग तो करते हैं ऑफ कोर्स एंड डेफिनेटली हम लोग काफ़ी शॉपिंग करते हैं सुरीली ज़्यादा करती है सुरीली लव शॉपिंग एंड मैं उनकी ही चॉइस ट्रस्ट करती हूँ मैं कितनी बार आई टेल हर कि ठीक है व्हाटएवर यू फील आई शुड बी एंड ऑनेस्टली मुझे जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स कभी मिले मेरी लुक को लेके मोस्ट ऑफ देम मैंने उसकी या तो वार्डरोब से चुराए हैं या मैंने उधार पे मांगे हैं या उसने मेरे लिए शॉप की है ऑनेस्टली सो या इट्स अ बिग कन्फेशन दैट आई एम मेकिंग टुडे तो ऑफ कोर्स आप तो स्पॉट वो स्पॉट तो आप करते रहते हैं मतलब पेपराजी तो इज एवरीवेयर सो आई डोंट नो जी मैं कोई एक्टिंग की उसको टिप्स की ज़रूरत नहीं है और देनी भी नहीं चाहिए बिकॉज यू हैव योर डायरेक्टर फॉर दैट एंड शी इज़ वर्किंग विद अ वेरी वेरी सीनियर डायरेक्टर राजकुमार संतोषी और जिनकी अभी उसका एक स्केट खत्म हुआ था अगला स्केट अभी अगले महीने से शुरू होगा सो आई डोंट थिंक शी नीड्स माई टिप्स शी इज़ फैंटास्टिक आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस एंड आई कांट वेट टू सी हर टू वॉच हर ऑन स्क्रीन आई थिंक शी विल बी मैजिक आप आ जाइए